जल्द ही एक पहचान पत्र पर सिम कार्ड की संख्या घटाई जा सकती है। अभी एक पहचान पत्र पर 9 सिम कार्ड जारी होते हैं, लेकिन आने वाले समय में संख्या को घटाकर 4 किया जा सकता है। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, फाइनेंशियल फ्रॉड्स और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए DoT एक अहम कदम उठाने जा रहा है। ये कदम है एक ID पर या एक व्यक्ति को जारी किए जाने वाले सिम कार्ड की संख्या को सीमित करने को लेकर। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो अभी तक व्यवस्था थी उसको DoT जो है वो बदलने जा रहा है। अब एक व्यक्ति को जो पहले 9 सिम कार्ड एक ID पर इश्यू हो सकते थे, अब उसकी संख्या को घटाकर 4 किया जाएगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि सभी तरीके के जो फाइनेंशियल और साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसमें फर्जी सिम कार्ड्स का सबसे अहम रोल होता है, और सरकार यही चाहती है कि ये जो बड़ी वजह है इसको रोका जा सके। और ये सीमित करके सरकार ये चाहती है कि इस बड़ी वजह को रोककर बाकी जो वेरिफिकेशन है उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया जाएगा। उससे दो अहम फायदे होंगे। पहला तो ये कि किसी भी कीमत पर, किसी भी स्टेप पर अगर ये पता चलता है कि ये जो सिम कार्ड है या जो व्यक्ति है वो नहीं है जिसके नाम पर ये सिम कार्ड जारी किया गया है, तो वो व्यवस्था को वहां पर रोका जा सकता है, वो सिम कार्ड को उसी समय स्टॉप किया जा सकता है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित हो जाएगी, उससे जो स्क्रूटनी है उन सारे एप्लीकेशंस की, जो फॉर्म्स की, वो भी आसान हो जाएगी, और उसका डेटाबेस बनाना, उसको किसी भी लेवल पर क्रॉस चेक करना ये आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ये भी उसमें बदलाव करने जा रही है कि आने वाले दिनों में आपके पास जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, चाहे वो सिम कार्ड के लिए किसी भी तरीके का एप्लीकेशन आपको देना होगा, तो वो डिजिटली भी किया जाएगा और उसके लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ही देने होंगे। इस तरह की व्यवस्था भी कर सकती सरकार। इसके साथ साथ एक अहम बदलाव इस पूरे नियमन में यह जरूर होगा कि अगर कोई व्यक्ति यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर अनजाने में ही सही किसी व्यक्ति को अतिरिक्त कार्ड दिया या फिर किसी भी स्क्रूटनी की व्यवस्था को सरपास किया है, तो उसको जुर्माना भी लगेगा सरकार की तरफ से, और वो जुर्माना 2 लाख के पास तक हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार लगातार सख्त है और किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, फर्जी सिम कार्ड्स को रोकने के लिए एकदम कटिबद्ध है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार अगले हफ्ते सभी व्यवस्थाओं को लेकर गाइडलाइंस जो है DoT की तरफ से जारी हो सकती है।